जो डैश कैम मैंने अभी आपको दिखाया इज हैविंग फीचर्स ऑफ, और ये है ऑडियो सैंपल जो। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रकाश पैराडाइज। अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन लेट मी टेल यू, मैं कार्स और कार एक्सेसरीज पे वीडियोस बनाता हूँ। एंड इफ यू लव कार एक्सेसरीज, कार गैजेट्स, कार टेक्नोलॉजी, देन दिस चैनल इज फॉर यू। एंड यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू मे नेवर मिस माय लेटेस्ट वीडियोस। सो गाइज, ये है कार लिंकेड का स्मार्ट डैश कैम एंड आई कैन बेट ऑन दिस कि आपने आज तक अपनी लाइफ में इतना यूनिक प्रोडक्ट नहीं देखा होगा। लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट दिस प्रोडक्ट इज। ये है कार लिंकेड 4.0। ये आपके वायर्ड एप्पल कारप्ले को वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो बना देता है। ये है कार लिंकेड का टी बॉक्स प्लस। ये आपके वायर्ड एप्पल कारप्ले को वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो तो बनाता ही है, साथ ही में ये आपको देता है एक फुल एंड्रॉयड सिस्टम। इसमें आपको सिम फंक्शनैलिटी भी मिल जाती है और इसमें जो एंड्रॉयड आता है दैट इज एंड्रॉयड 12.0। और ये है एक डैश कैम। वी ऑल नो वॉट इज अ डैश कैम एंड हाउ इम्पॉर्टेंट इट हैज बिकम इन आर डेली लाइफ। वॉट इफ आई टेल यू जो डैश कैम मैंने अभी आपको दिखाया इज हैविंग फीचर्स ऑफ ऑल दीज थ्री डिवाइसेस। उसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल फंक्शनैलिटी भी है, उसमें एंड्रॉयड फंक्शनैलिटी भी है और साथ ही में वो एक डैश कैम भी है। येस गाइज, देयर इज अ डिवाइस विच इज क्यूमुलेटिव ऑफ ऑल दीज थ्री डिवाइसेस एंड हाउ कूल इज दैट। ये है एक कार लिंकेड का स्मार्ट डैश कैम। तो गाइज, सबसे पहले हम इसको अनबॉक्स करते हैं, इसमें अंदर क्या क्या है वो देखते हैं और फिर इसको गाड़ी में यूज़ करके देखते हैं कि क्या सच में ये रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट हैज़ रिप्लेस्ड ऑल द डिवाइसेस, ऑल द गैजेट्स इन आवर कार, और क्या हमें एक गैजेट से तीन गैजेट के फायदे मिल सकते हैं। सो लेट्स रिव्यू दिस प्रोडक्ट। एंड व्हाट इफ आई टेल यू दैट इस प्रोडक्ट के साथ भी मैंने लाया है एक अमेजिंग गिव अवे फॉर यू गाइज। यस गाइज, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा एंड यू विल गेट टू नो अबाउट दिस अमेजिंग गिव अवे। आज इसमें एक विनर नहीं होगा, दो विनर नहीं होगा, वी विल हैव थ्री विनर्स। ये बॉक्स है स्मार्ट डैश कैम का। सामने की ओर बना हुआ है स्मार्ट डैश कैम की फोटो, पीछे की ओर दे रखा है स्पेसिफिकेशन। मैं आपके क्लोज ले आ रहा हूँ सो दैट यू कैन हैव अ लुक एट द स्पेसिफिकेशन। और सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। इसको हमने खोला, यहाँ पर हमें मिला है प्रोडक्ट मैनुअल एंड सी हाउ नाइसली इट हैज़ बीन केप्ट। हमने उठाया इसका प्रोडक्ट मैनुअल और ये है हमारा डैश कैम विथ सो मैनी फंक्शनैलिटीज। हैव अ लुक। और हमें मिलता है ये एक छोटा सा बॉक्स। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस वॉज वेरी नाइस, आई वुड से काफ़ी मज़ा आया। ओके, एक तो हमें मिला है ये, इस ही टूल से हम अपने केबल को अंदर छुपाएंगे, अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये मिलता है हमें बड़ा सा केबल जो कि हमें वायर्ड एप्पल कारप्ले में लगाना होगा। और हमें मिलता है एक अडैप्टर। अगर आपकी गाड़ी में जो वायर्ड एप्पल कारप्ले है वो USB-C से चलता होगा तब आपको इस केबल को लगाना पड़ेगा। Let us have a closer look at this product. ये जो portion है ये आपका adhesive है जो कि basically आपके windscreen पर लग जाएगा और आपका जो camera है ना इसको आप इस तरीके से adjust कर सकते हैं। Have a look. ऊपर नीचे, right left जाने का option नहीं है, it can only go up and down. तो इस तरीके से आपको adjustment करना होगा। यहाँ पर आपको मिलता है सिम कार्ड का स्लॉट, यहाँ पर आपको मिलता है SD कार्ड का स्लॉट और यहाँ पर आपको मिलता है इसको पावर देने का स्लॉट। और साथ ही में जो मैं एक चीज़ बड़ी ही इम्पॉर्टेंट देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर तीन जगह से इसको हीट डिसिपेशन का ऑप्शन दिया हुआ है। हीट डिसिपेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये रहेगा हमारी विंडस्क्रीन पे और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। उसके अलावा इसका जो प्रोडक्ट डिज़ाइन है विच इट इज़ वेरी सिंपल और यहाँ पर इसका प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन दे रखा है। एंड आई पर्सनली लाइक कि कितने मिनिमल डिज़ाइन में इन्होंने कितनी मैक्सिमम फंक्शनैलिटी दे रखी है। सो चलिए अब इस प्रोडक्ट को गाड़ी में लगाते हैं और इसकी फंक्शनैलिटी चेक करते हैं। Now comes the main part and that is the installation of this device and one round of appreciation for the brand क्योंकि इन्होंने जो केबल दिया है that is of a very good quality और साथ में यहाँ जो ब्रांडिंग कर रखा है that is adding a character to the
ओवरऑल फील ऑफ परचेजिंग दिस प्रोडक्ट। इसको हम दो जगहों पर इंस्टॉल कर सकते हैं, एक है यहाँ पर, बट आई पर्सनली फील कि यहाँ पर इंस्टॉल करने से जो ड्राइवर है उसका जो व्यू है वो ब्लॉक होगा वाइल ड्राइविंग द कार, और दूसरा है यहाँ पर। यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे तो ये हमें पता भी नहीं चलेगा और काफ़ी मिनिमल डिज़ाइन में एकदम ढंग से यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा, और यहाँ से हम केबल को डाल देंगे। यहाँ पर इसको चिपकाने से पहले एक काम ज़रूर करिएगा, एंड दैट इज़ कि आप अपने USB-C केबल को यहाँ पर ज़रूर लगा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि मान लीजिए कि अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो आप शायद इसको एकदम ऊपर तक लगा दें और उसके बाद USB-C केबल लगे ही ना। हमें ये पन्नी निकालनी है जो इसके ऊपर लगी हुई है, एंड वी हैव टू मेक श्योर कि एकदम सीधा लगे, और बस हमें इसको चिपका देना है इस तरीके से, और इसको 20 सेकेंड पकड़ के रखना होगा ताकि ये ढंग से लग जाए। और अब हम केबल को प्रॉपरली अंदर डालेंगे, इस टूल की मदद से हम सारे केबल को अंदर डालेंगे इस तरीके से। थोड़ा सा यहाँ पे पुश करेंगे और यहाँ पे जब स्पेस बन जाएगा तो केबल को अंदर डाल देंगे लाइक दिस। मैंने इस पिलर को भी रिमूव कर दिया है और ये थोड़ा रबर बिडिंग को भी रिमूव कर दिया है ताकि मैं इस केबल को यहाँ से अंदर ले जाके नीचे ले जा सकूँ। इसके पीछे भी ले चला गया हूँ, अब मुझे सिर्फ रबर बिडिंग के नीचे नीचे इसको ले जाना है इस तरीके से। इस रबर बिडिंग के पीछे पीछे मेरा केबल आ गया है, एंड एज यू कैन सी गाइस यहाँ तक पहुँच चुका है। इसको मैंने ढंग से एडजस्ट करना है और फिर मैं इसको पीछे से यहाँ से लेकर आऊँगा। सो गाइज फाइनली इट हैज़ बीन इंस्टॉल्ड, यहाँ से गया है और केबल यहाँ पर मैंने छुपा दिया है पूरा ऊपर का। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई केबल नहीं दिख रहा है, बस एक केबल यहाँ से आते दिख रहा है विच इज़ पावरिंग इट, और नीचे की ओर आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से कर रखा है, एंड यहाँ पर हमारी स्क्रीन भी ऑन हो चुकी है। इट सेज फॉर योर सेफ्टी डू नॉट ऑपरेट द सिस्टम वाइल व्हीकल इज़ इन मोशन, प्लीज़ ड्राइव योर कार अकॉर्डिंग टू द सेफ्टी ट्रैफिक रेगुलेशंस। ठीक है भाई, हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, एग्री एंड एक्सेप्ट। और लेट्स सी कि जो कैमरा है वो कैसा दिख रहा है। लोड की एज यू कैन सी यहाँ पर डायरेक्टली पूरा का पूरा सिस्टम दिख रहा है। आप इस फ्रंट फेसिंग कैमरे को फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं, जस्ट टैप वंस और ये देखिए फुल स्क्रीन कैमरा एक्टिवेट हो चुका है। ड्राइवर साइड से भी मैं दिखा दे रहा हूँ ये कैसा दिख रहा है। ऊपर की ओर हमारा डैश कैम लगा हुआ है और जो केबल है वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, जो दिख रहा है वो इधर की ओर दिख रहा है, और जब कोई बगल में बैठेगा तो उसको ये एक केबल दिखेगा। और बाहर से ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, क्वाइट विजिबल की कैमरा लगा हुआ है, एंड आई रियली लाइक दोज डैश कैम्स जो कि एकदम विजिबल होते हैं। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द फंक्शंस व्हिच आर अवेलेबल इन दिस डिवाइस। द फर्स्ट फीचर इज वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, उसके लिए आपको ऑटो किट पे टैप करना होगा। यहाँ पर जब आप वेट कर रहे होंगे देन यू हैव टू प्रेस एट ब्लूटूथ इन योर फोन। ब्लूटूथ में आपको सर्च करना होगा, देखिए अपने आप ही आ गया, ऑटो किट टी बॉक्स AR प्लस, इसको अलाउ करेंगे पेयर। अपने आप देखिए कनेक्टिंग, एंड आर वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो इज एक्टिवेटेड। ये देखिए मेरा फोन विदाउट केबल्स। आईफोन में कनेक्ट करने के लिए फिर से आपको ऑटो किट पे टैप करना पड़ेगा। यहां पर आपको ब्लूटूथ में जाना पड़ेगा अपने आईफोन में, इसको ऑन करके ऑटो किट टी बॉक्स AR प्लस को सर्च करना होगा। ये देखिए आ गया है, एंड इट इज़ हैपनिंग वेरी फास्ट। यहाँ पे मैंने पेयर टैप किया, अलाउ, और यहाँ पे हो रहा है कनेक्टिंग। एंड हैव अ लुक गाइस, आर वायरलेस एप्पल कारप्ले इज वर्किंग। देर इज़ वन मोर इन्फॉर्मेशन दैट आई नीड टू शेयर विथ यू गाइज कि ऑटो किट पे जाके जब आप यहाँ पे सेटिंग्स में जाएंगे तो वायरलेस ऑटो कनेक्ट को ऑन रखना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका फोन ऑटो कनेक्ट होए तो इसको ऑन रखना बहुत जरूरी है, वरना ऑटो कनेक्ट नहीं होगा। सपोज कि आप इसको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले की तरह यूज करना चाहते हैं और आपका वाईफाई एक्टिवेटेड है तो ये कभी कनेक्ट नहीं होगा। इन ऑर्डर टू कनेक्ट वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले यू विल हैव टू टर्न ऑफ द वाईफाई फ्रॉम द सेटिंग्स, और फिर जाके आपका वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले चल पाएगा। अगला फीचर है एंड्रॉइड सिस्टम वाला। सबसे पहले हम इसमें गूगल मैप्स को देखेंगे,
एंड गाइस देखिए किस तरीके से आपके गूगल मैप्स की ये लोकेशन दिखा रहा है, और अगर हम इस डिवाइस में सिम लगा देते हैं तो गूगल मैप्स को हम अपने कार इंफोटेनमेंट सिस्टम पे बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें YouTube चला सकते हैं, क्योंकि ये एक इनबिल्ट सिस्टम है, इसकी वजह से कोई लैग नहीं आता है। लेंसेस के साथ कहीं ज्यादा करने वाले हैं बस कभी भी। और एज एन एंड्रॉइड सिस्टम आप इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं, मैंने कार लिंकेट के टी बॉक्स वाले वीडियो में बड़े अच्छे से समझाया है, तो आप उसमें जरूर देखिएगा कि किस किस तरीके से कौन कौन से इनोवेटिव वेज है जिस तरीके से आप इस एंड्रॉइड सिस्टम को अपने यूज में ला सकते हैं। एक और चीज दिखाना चाहूंगा, वो है कि जैसे हम मान लीजिए रिवर्स दबाते हैं तो क्या गाड़ी का जो रिवर्स कैमरा है वो एक्टिवेट होगा कि नहीं। सो गाइज हैव अ लुक, मैंने रिवर्स दबाया एंड ऑटोमेटिकली हमारा जो रिवर्स कैमरा है वो एक्टिवेट हो गया, और जैसे ही मैंने पार्किंग या ड्राइव पे किया तो ये हमारा एंड्रॉयड स्क्रीन हो गया, ऑन हो गया। हाउ फास्ट इट इज़ हैपनिंग। जो अगला फीचर है वो है डैश कैम वाला, उसके लिए एक डेडिकेटेड ऐप है लोड की। लोड की को जब आप खोलेंगे तो यहाँ पर आपका डिस्प्ले दिखाएगा। सेटिंग्स में जब आप जाएंगे तो आपको मल्टीपल सेटिंग्स मिलेगी, जैसे कि आप इसका रेजोल्यूशन सेट कर सकते हैं कि 720p हो या 1080p हो, टाइम स्टैम्प होना चाहिए या नहीं होना चाहिए इसको आप सेट कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग टाइम 1 मिनट का लूप वीडियो बने या 3 मिनट का या 5 मिनट का इसको आप सेट कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग फ्रेम रेट भी आप इसको सेट कर सकते हैं, दैट इज़ वेरी नाइस। और माइक रिकॉर्डिंग इन कार जो कॉन्वर्सेशन हो रही है वो रिकॉर्ड होगी नहीं वो भी आप सेट कर सकते हैं, और कॉल्यूजन सेंसिटिविटी ताकि जो इमरजेंसी वीडियोज हैं उसको ये कैप्चर कर पाए उसके लिए भी आप कॉल्यूजन की सेंसिटिविटी को सेट कर सकते हैं। इन इंडिया प्रेफर की वो लो पे आप रखें, क्योंकि हाई पे बार बार इमरजेंसी वीडियोज को ही कैप्चर करता रह जाएगा। और एडवांस सेटिंग में आपको मिल रहा है डिलीट ऑल फाइल्स एंड फैक्ट्री रीसेट, ये बड़े ही प्रॉपर तरीके से आपको सेटिंग्स मिल रही हैं यहाँ पर। और अब हम देखेंगे इसका डे सैंपल, और ये है ऑडियो सैंपल जो कि आप सुन सकते हैं इस समय। और अब हम देखेंगे इसका नाइट सैंपल, एज यू कैन सी दैट द क्लैरिटी ऑफ द कैमरा इज क्वाइट गुड, और उसका जो व्यूइंग एंगल है दैट इज ऑल्सो क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। ओवरऑल इसका जो वर्किंग है, इसका जो स्मूथनेस है और जो पिक्सल्स हैं वो कहीं भी गए नहीं है, हमारी गाड़ी की स्क्रीन पर एकदम साफ दिख रहा है। एंड आई एब्सोल्यूटली लव दिस प्रोडक्ट, द एडिशनल फीचर ऑफ डैश कैम इज रियली वेरी वेलकमिंग। ऑलरेडी हमने इनके सारे फीचर्स देख रखे थे इन देयर अर्लियर डिवाइसेस, और इसमें वो सारे फीचर्स भी हैं और साथ में डैश कैम भी है। सो दिस इज अ वेरी नाइस प्रोडक्ट आई वुड से। नाउ कम्स द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो एंड दैट इज द कॉन्टेस्ट। गाइस प्लीज गिव दिस वीडियो अ लाइक, क्योंकि मैं काफी ज्यादा कंपनी से नेगोशिएट करता हूँ इन ऑर्डर टू प्रोवाइड गिव अवेज फॉर यू एंड टू प्रोवाइड बेटर डील्स फॉर यू। और इस कॉन्टेस्ट में आपको क्या करना है, यू हैव टू मेंशन योर कार नेम, और नीचे की ओर आपको लिखना है आई लाइक द कार लिंकेड स्मार्ट डैश कैम बिकॉज, ये आपको मैं मेंशन कर दूंगा, और फिर आपको अपना आंसर लिखना है। साथ ही मैं आपको बताना है कि हाउ प्रकाश पैराडाइज वीडियोज आर हेल्पिंग यू। और इस कॉन्टेस्ट में हमारे पास रहेंगे 3 विनर्स। पहले विनर को मिलेगा इस प्रोडक्ट पे 50% डिस्काउंट, सेकंड विनर को मिलेगा 30% डिस्काउंट, और थर्ड विनर को भी मिलेगा 30% डिस्काउंट। इससे क्या होगा कि हमारे पास जो विनर्स के नंबर हैं दैट विल इंक्रीज एंड पीपल विल रियली लाइक कि मैंने आपको इतना बड़ा ऑफर दिला पाया। सो गाइस वीडियो कैसा लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट डन ऑलरेडी। हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योर लाइफ एंड कीप स्माइलिंग।